मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन अकेडमी नॉलेज। जैसा आप सभी को पता है, अपन लोग यहाँ पे ना बहुत सारी जीके की बातें करते हैं। अभी हम लोग जो है दो तरीके की शोज कर रहे हैं, मतलब दो तरीके की सेशंस को इसमें कर रहे हैं। एक में हम लोग प्राइम मिनिस्टर और एक में प्रेसिडेंट का जो भी दौरा हुआ है ना, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस बार जब से मोदी 2.0 इलेक्ट होकर के आए हैं, तब से क्या क्या इनके जो है इम्पॉर्टेंट जो टूर्स हुए हैं ना, उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग सेशन को, शुरू करते हैं अपनी सेशन को। जैसे हम लोग पहला देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ विजिट में पहला हमें जो दिख रहा है यूएसए, ह्यूस्टन टेक्सास में जो है ना हाउडी मोदी इवेंट हुआ था, जिसमें कि बीजेपी या सरकार ने जो है नहीं कुछ ऑर्गेनाइज किया था, बल्कि जो सैफ्रन पार्टी की वॉलंटियर थी ना, वो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज की थी। बहुत बड़े लेवल पे ये इवेंट हुआ था, हाउ डिड यू मोदी, दैट इज हाउडी मोदी। ओके, इसमें बहुत कुछ बताया गया था, बहुत चीज़ें बताई गई थी, और बहुत मतलब ऐसा कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जो आपके एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज टेक्सास ह्यूस्टन में हुआ था यूएसए में। 21 सितंबर से 28 सितंबर तक का ये था दौरा था इनका, और इसमें जो है ना इतना ज़्यादा मतलब शोर था, इतना कुछ हो गया था, इतनी ये न्यूज़ में आ गई थी। हाउडी मोदी से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर हुआ था, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रशिया में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक का इनका दौरा रहा था 2019 का। इसके साथ ही साथ भारत ने जो है ना $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था रशिया के फार ईस्ट को। ठीक है, इन लोगों ने बोला कि 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ये लोग दे रहे हैं। और तो और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो है ना सपोर्ट किया था हमारी सरकार ने, हालांकि हम लोग के उनसे रिलेशंस भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस तरीके की वेपन सुखोई जो है वो जो डेवलप करके हमारे पास भेजा जाता है, वो कौन भेजता है? रशिया ही भेजती है। फिर ब्रह्मोस की भी हम लोग बात करें तो ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है ना, वो रशिया और इंडिया का ही एक वेंचर है। तो ये बहुत कुछ है जो रशिया से हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग करता है ना। तो ये सारी बातें हमने याद होनी चाहिए। एक जो हमें और पता होना चाहिए कि कितने रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है दिया गया था, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए। कितने रुपये का दिया गया था आपका $1 बिलियन का, जो आपसे पूछा जा सकता है एक्चुअली। इसके अलावा रशिया ने जो है ना पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इस बारी का दिया था। पूछा जा सकता है कि रशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इस साल का किसको दिया हुआ है, किसको दिया था? पीएम मोदी को दिया था, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, क्या नाम था अवार्ड का? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल, जो आपसे पूछा जा सकता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। दो चार पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो कि मोदी से आपको मिला था, इसके अलावा सुखोई जो ट्रांसफर की गई है भारत में, जो पूछा जा सकता है, उसके अलावा ब्रह्मोस एयर स्पेस जो कि इन दोनों का एक वेंचर है, और $1 बिलियन का इनका लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड जो किया था वो। ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन अगला हम लोग चलें देखते हैं फ्रांस यूएई और बहरान। फ्रांस यूएई और बहरान जो है 22 अगस्त से 27 अगस्त की इनकी ट्रिप थी, जो अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी काफ़ी कुछ था, जैसे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन से काफ़ी सारी बातें हुई थी, और फिर जो है अगला था अपना बहरान था और यूएई था। यूएई ने भी अपना जायद मेडल जो है ना वो
प्रधानमंत्री जी को दिया हुआ है, और यूएई में तो जो तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी जो है हिंदी कर दी गई है वहाँ के कोर्ट में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? यूएई की बात कर रहे हैं। इनका जो जायद मेडल था, अच्छा ये तुरंत नहीं पहले दिया जा चुका था, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जायद मेडल इन्होंने मोदी जी को दिया था। इसके अलावा जो है ना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने हिंदी को तीसरा ऑफिशियल लैंग्वेज आबू धाबी ने अपने कोर्ट में अनाउंस किया था, ताकि आसानी से एक्सेस हो सके केसेस को लेकर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा जब इनकी विजिट हुई थी तो काफ़ी चीज़ों पे इनकी बात हुई थी। पॉलिटिकल प्रायोरिटी हो गई, इंडो पैसिफिक को बात लेकर के हो गई, ऐसी काफ़ी सारी बातें इन लोगों के बीच में आपस में हुई थी, ठीक है। अगला है भूटान। भूटान में, भूटान की इंपॉर्टेंट थी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग। भूटान की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से एक तो आपका मैंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर गया, ठीक है। सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है मैंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक तो भूटान का ये बहुत पूछा जाएगा आपसे जरूर एग्जाम में, ये कहां पे किया गया था, ठीक है। एक तो ये था, इसके साथ ही साथ रुपे कार्ड का जो है ना अनाउंसमेंट किया गया कि रुपए यहाँ पे भी काम करेगा अपना एक गेटवे के तौर पे। फिर जो हमारे भूटान के किंग हैं, कौन है, खेसर वांगचुक करके, इनको, इनसे भी कुछ बातचीत हुई थी। खैर वो तो नहीं पूछेगा, बट जो दो चीज़ें आपको याद रखनी है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा वो, एक तो रुपए कार्ड जो है कहाँ पर अनाउंस किया गया था, कहाँ रोल आउट किया गया था, और मैंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ रोल आउट किया गया था, ये चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जापान, जापान की जो ट्रिप है ये 27 जून से 29 जून 2019 की थी, और जापान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एब साहब, इनके साथ में कुछ मीटिंग्स हुई थी, कुछ बातें हुई थी, कुछ सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट इन लोगों के किए थे, इन लोगों के कुछ अपने हिस्टोरिक थे। और तो और जापान ने अपना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी खोलने को कहा है गुजरात कर्नाटका राजस्थान, ठीक है, जिसके तहत कहा जा रहा है ना कि 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा जापान ने बताया है, इतना कुछ करने को हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत कुछ तो नहीं आएगा, हाँ ये पूछा जा सकता है कौन सी देश इन जगह पर अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने को कहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा जापान कौन सा म्यूजियम खोलने वाला है, ये आप सब लोग बताइएगा, जापान हमारे देश में कौन सा म्यूजियम खोलने को जो है असिस्ट कर रहा है। अगला है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो कि 13 जून से 14 जून 2019 तक की जो है ना इनकी रही थी मीटिंग, और किर्गिस्तान में भी बायलेटरल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए गए थे जो इंडिया एनवॉय हैं जिनका नाम है अमिताभ डिमरी, जो उस समय थे वो गए थे, ठीक है, ताकि इन दोनों देश के बीच का जो है आपस का रिलेशन वो क्या हो सके, वो बेटर हो सके, ठीक है, इसलिए किर्गिस्तान गए थे। और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर मालदीव्स और श्रीलंका, मालदीव्स और श्रीलंका पे गए थे। तो देखो श्रीलंका में आपको पता है जैसे कि सेंट एंथनी चर्च ईस्टर संडे अटैक हुआ था ना, उसके बाद से वहाँ पे जो है ये विजिट किए थे और वहाँ की चीज़ों को देखे थे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और फिर एक और चीज़ आपने जो पूछी जा सकती है कि पहला कौन सा जगह था जहाँ पे हमारे मोदी साहब गए थे पीएम बनने के बाद, तो पीएम बनने के बाद जो पहली जगह गए थे ना वो यही दोनों जगह गए थे 2.0, मालदीव्स और श्रीलंका, इन्हीं दोनों जगह की इन्होंने दौरा किए थे, ओके, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अगर डे ऑफ द डे की तरफ, तो सबसे पहला 1947 में आज के दिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार कर लिया था, सबसे पहले तो ये चीज़ हुई थी। अब सोचो क्या हो रहा है। खैर अगला जो है आज की मिठाई में हम लोग देख सकते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ना हमारे देश की हाईवे को बनवाने के लिए जो है काफ़ी कुछ किया जाता है। अभी जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट जानते हैं कौन सा, भारतमाला, भारतमाला परियोजना जानते हैं ना, भारतमाला परियोजना लॉन्च किया गया था जिसमें कहा गया था कि हमारे देश में जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और रोड हाईवे प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम लोग सरकार का है। इसके तहत ना 83,677 किलोमीटर नया हाईवे बनेगा 5.35 लाख करोड़ पे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सब प्रोजेक्ट आने के बाद ही ऐसा भारतमाला परियोजना हो गया, ऐसी परियोजनाएं लाई गई ताकि हमारे वहाँ पे हाईवेज को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, ठीक है। अगला जो है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये थी हमारी आज की स्लाइड्स और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।